हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए अभी घर जा रहा था मैं, लेकिन ये कंटेनर मैंने खड़ा हुआ देखा, ICD से ही निकलता हूँ डेली यहाँ से, तो सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए कि जब हम लोग कंटेनर पिकअप करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए उसकी, कि डैमेजेशन मतलब डैमेज क्या क्या नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो मैं उसका आज मैं बताऊँगा पूरे। ये कंटेनर आप देख सकते हैं 20 फिट कंटेनर है, तो बस साइज़ ही बड़ा होता है, लेकिन आपको जो चीज़ चेक करनी है वो सब 20 फिट या 40 फिट कंटेनर लेते हैं तो उसमें आपको सेम चीज़ें चेक करनी है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा, लेकिन बाकी मैं बता दूँगा आपको कि और क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो मैं अब कंटेनर की तरफ कैमरा, तो सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं, ये वाले जो हुक्स देख रहे हैं ये, ठीक है, ये वाले जो हुक्स होते हैं ये चारों कोने पर होते हैं जिससे क्रेन ये उठाती है, ठीक है। तो आपको ये हुक्स हैं ये आपको प्रॉपरली चेक कर लेना है कि ये डैमेज तो नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे ये चीज़ चेक कर सकते हैं, ये प्लेट तो टूटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब क्रेन से कंटेनर जो लिफ्टिंग होती है तो इसी के अंदर वो जो लिफ्टिंग का जो रॉड होता है वो डाल के कंटेनर उठाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको तो प्रॉपरली चेक कर लेनी है। और जैसे आप ये देख रहे हैं इस तरीके का डैमेज जो आप देख रहे हैं पूरे कंटेनर पर, ये भी आप देख लेना एक बार कि कहीं पर ये, जैसे आप ये देख रहे हैं ये वाला यहाँ पे, ये अभी मतलब टूटा फूटा नहीं है, मतलब ये क्या है कि होल नहीं है, ठीक है। तो अब ये होल चेक कर लेना कि इसमें होल तो नहीं, क्योंकि जब आप कंटेनर रिटर्न तो आपको इसका चार्जेस जो डैमेज चार्जेस है वो आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। तो और दूसरी एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये एंगल्स ना टूटे हों, ये वाले एंगल्स ना टूटे हों, ठीक है, इसकी रॉड यहाँ से बेंड ना हो ताकि गेट लगने में ये दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये आपको रॉड पूरी चेक कर लेनी है, गेट ये जो आप देख रहे हैं ये गेट प्रॉपर पूरा बंद होना चाहिए, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है कि इसमें सील है या फिर यहाँ पे जॉइंट भी है, ठीक है। तो और दूसरा आपको ये जो यहाँ पे ये सील लगती है ना, ये वाला यहाँ सील लगती है, आप इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ सील लगती है और यहाँ ये कॉर्नर पर जो ये सील लगती है यहाँ पर, इसी तरीके से आप इस वाले गेट में भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें प्रॉपरली चेक करनी है, ठीक है। और बैंड जो होल वगैरह है आप होल पूरा देख लीजिएगा कि होल वगैरह तो नहीं है इसके अंदर। तो होल वगैरह चेक करने के बाद आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी कि ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है प्रॉपरली। और दूसरा इसके अंदर जो ये क्या कहते हैं इसका फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर का एरिया है, इसमें क्या इतनी बड़ी जो प्लाई होती है इसके अंदर, तो ये प्लाई आप देख लेना, इसके प्लाई ऊपर ठीक है, लेकिन क्या कि उसमें होल तो नहीं है प्लाई में, ठीक है। तो इसमें क्या फ्लोर डैमेज, मेरे क्या है कहने का मतलब यह है कि आपको फ्लोर का इसका डैमेजेशन देखना है कि इसमें डैमेज तो नहीं है फ्लोर, ठीक है, प्लाई टूटी तो नहीं है, ठीक है। तो ये इतना जो एरिया होता है इसके अंदर प्लाई होती है पूरी, जिसमें आपका ये भरा होता है इतने अंदर, ठीक है। ये कुत्ते और परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको देख लेनी है पूरी कि ये कंटेनर जब आप पिकअप करते हैं तो ये डैमेज तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली एक बार चेक कर लेना, तब जाके कंटेनर आप पिकअप करना, ठीक है। क्योंकि अगर जब कंटेनर जब ये एम्प्टी होता है, खाली होता है डेस्टिनेशन पर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या इसका डैमेज चार्जेस कंसाइनी से ले लिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ जब भी आप कंटेनर पिकअप करते हैं तो ये चीज़ें आप प्रॉपरली ज़रूर चेक करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो मेरे को एक बार ज़रूर बताना कि मैं ग्राउंड पे जाके वीडियो बनाऊँ वो ज़्यादा बेटर है या फिर जो मैं समझाता हूँ वो भी ज़्यादा बेटर है। तो दोनों चीज़ें बताना कि दोनों तरीके की वीडियो चाहिए या फिर एक तरीके की चाहिए, एक बार बताना ज़रूर। तो इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, जाता हूँ मैं घर पर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।